डायरेक्टर जनरल साद खान, फैकल्टी, पार्टिसिपेंट्स, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। इंडीड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी फॉर बीइंग अ चीफ गेस्ट एंड द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड नेम एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड my best facilitation to all participants for being graduated and looking forward to see their promotion. Balochistan mein NIM ka adara jo kai saalon se yahan pe kaam kar raha hai aur Balochistan ki bureaucracy पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन कर रहा है। डेफिनेटली ये ट्रेनिंग उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज सबको बढ़ाएगी और बलूचिस्तान ना सिर्फ निम के हवाले से वो सूबा है बल्कि इसमें आर्म फोर्सेस के भी बड़े अच्छे अदारे हैं जिसमें इन्फेंट्री कॉलेज, स्टाफ कॉलेज, ईएमई सेंटर्स और हम उम्मीद करते हैं कि ये नेम जो बेहतरीन और ब्रिलियंट लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगा। अगर हम एक हकूमत की कारकर्दगी को देखें तो हकूमत की कारकर्दगी डेफिनेटली उसकी एक बेहतरीन विज़न और एक कमिटमेंट को जाहिर करती है लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी कारकर्दगी की अक्कासी करती है उसकी जो है ब्यूरोक्रेसी है। जितनी भी काबिल, लायक, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड इम्प्लीमेंटर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हुकूमत की जो कारकर्दगी बेहतर होगी, सर्विस डिलीवरी में फ़र्क आ जाएगा, हर शोबे में उसमें एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी जो हैं हुकूमती ज़ैली अदारे हैं उनकी जो है कारकर्दगी बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से यहाँ पे हर चीज़ इंटरमिंगल रही है, मिक्स्ड रही है। पॉलिसी मेकर्स वो लोकल गवर्नमेंट का काम करते रहे हैं, लेजिस्लेटर्स कोई और काम करते रहे हैं, इम्प्लीमेंटर्स ब्यूरोक्रेसी उनका और जॉब है। मैं इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह की जो है स्किल डेवलपमेंट से डेफिनेटली जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स हैं वो आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बेहतर होंगी। अगर हम हर कोई अपना काम बेहतर अंदाज में कर सकें बीइंग लेजिस्लेटर, मुझे अपना काम अच्छी तरह आए, बीइंग पॉलिसी मेकर मुझे ये पता हो कि मैंने सूबे की क्या पॉलिसी बनानी है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी बीइंग इम्प्लीमेंटर्स आपको भी अपनी जो आपका काम है जिससे आईन पाकिस्तान ने आपको दिया है अगर वो करें, हर कोई काम अपना अच्छा करे तो डेफिनेटली ये मुल्क जो है बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने ना सिर्फ इस चीज़ को जानते हुए कि जी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी मुलाजमीन है, हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए पिछले साल हमने कोई 2 बिलियन इन्वेस्ट किए थे कि वो मिड कैरियर ऑफिसर्स जो अपनी तुजनगी को जो हैं पीएचडी या मास्टर्स के हवाले से बाहर जाके पूरी कर सकें तो उनको जो है उनके लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त किया है और 2 बिलियन जो हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं और 2021 में इंशाल्लाह ताला मेरिट पे जो है लोग बलूचिस्तान से जाएंगे और बाहर की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी और मास्टर्स कर सकेंगे। मेरे लिए पीजी साहब एक बायस फ़ख्र है और इतहाई जो है बायस मुसर्रत है कि मैं आज पाकिस्तान के फ्यूचर से बात कर रहा हूँ और आप लोगों ने वज़ीर आला साहब को बुलाया था लेकिन उनकी कमिटमेंट के की वजह से वो नहीं आ सके तो उन्होंने मुझे हिदायत की कि आप जाएं
और मेरे लिए, मैं आपको रियली अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि आज जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये बहुत बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैं, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और मेरी दुआएं उन पार्टिसिपेंट्स के साथ हैं जिन्होंने इस कोर्स के दौरान जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए कोविड-19 की वजह से, और अल्लाह ताला उनको जो है दरी के रहमत करे, उनको जो है जन्नत नसीब करे, और उसके बावजूद, इस कर्ब के बावजूद उन्होंने अपनी कोर्स को कंटिन्यू किया, ये शो करता है कि उनको अपनी जो है ज़िम्मेदारियों के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने सूबे के साथ, अपने मुल्क के साथ कितनी कमिटमेंट और कितनी मोहब्बत है। मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर यही कहूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपकी जल्दी प्रमोशन हो जाएगी और आप तमाम अपने अपने सूबों में जाके लोगों की बेहतरी, फलाह बहबूद, हुकूमत की विज़न को इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, सूबों की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। देखिए, ये कोविड-19 जो आया हुआ है, इसमें असम्बली की जो इजलास हैं वो बड़ी कम हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। अब अपोजिशन ने उसको बुलाया है क्योंकि वो फारिग बैठे हुए हैं, तो उनका काम ये असम्बली में बोलना होता है, तो उसी जो है हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब कोई इसके पीछे ख़ास कोई बात नहीं है। देखें, अब इस पर चूँकि ये सब जूडियस है, नैब इस पर इंक्वायरी कर रही है, मैं इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। तो डेफिनेटली नैब मुल्की अदारा है, जहाँ पर समझती है कि किसी के कहीं पर जो है मिस अप्रोप्रिएशन हुई है फ़ंड्स की, या कहीं पर जो है कोई उसको शक पैदा हो जाता है, तो इंक्वायरी करना जो है उसका हक है, वो जो है इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन अभी चूँकि कोई बात साबित नहीं हुई है, तो इस पे हम जो है उनको कोई मर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। वो कोई केस था फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो इनके दौर में नहीं हुआ था, कोई पहले वाला जो है इनके अदवार से पहले ये बात हुई थी, तो उस हवाले से चूँकि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में उसको जो ज़ेर बहस आया था, तो उस हवाले से नैब ने उनको एज असिस्टेंट्स के लिए बुलाया है, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी सारी कर ली है और नैब को जो है जो उनकी इंक्वायरीज़ हैं, जो उनकी जो है इंक्वायरीज हैं उस हवाले से वो पूछना चाहते हैं, तो उनको जवाब दे देंगे और इसमें कोई इतना सीरियस बात नहीं है। देखें, अब किसी ने जो है FIR किया है, किसी ग्रीव फैमिली ने, तो जो सेनेटर साहब के मुताबिक उन पर जो है कोई जाली FIR है, तो उस वो अदालत में गए हैं, अदालत में उन्होंने ज़मानत अपनी जो है वो करवाई है, तो ये चूँकि एक लीगल इशू है, अदालती मैटर है, तो डेफिनेटली हम सब का फ़र्ज़ है कि जो पाकिस्तान की अदालतों की जो है अहकामात और उनकी जो जजमेंट्स हैं उनका इज़्ज़त करें, और वो अपना जो है आईनी, अपना जो कानूनी केस ज़रूर लड़ेंगे और बेगुनाह है इंशाल्लाह वो उससे जो है वो फतेहयाब होंगे। लेकिन अब मैं इसमें चूँकि एक अदालती मामला है, उन्होंने उसकी जो ज़मानत मनसूख की है, तो वो अपने जो है लीगली अपना केस फाइट करेंगे और उनके मुताबिक उन पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया है वो कोई इस तरह के जो है मामले में इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही उसका जो है कोई ज़ाती इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो अदालत को जो है थ्रू अपने काउंसल, अपने वकीलों के तवसत से वो बावर कराएंगे कि वो बेगुनाह, और इंशाअल्लाह ताला उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी।